नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, भगवान महाकाल का महारुद्र यज्ञ भोपाल में होने जा रहा है। 21 अगस्त से शुरू होने वाले महारुद्र यज्ञ के लिए राजधानी के भेल दशहरा मैदान में महा इंद्र ध्वज का विधि विधान के साथ पूजन किया गया। हिंदू युवा वाहिनी के तत्वाधान पर होने वाले महारुद्र यज्ञ में देश भर के श्रद्धालु शामिल होंगे। जूना अखाड़ा के महासचिव पीठाधीश्वर सहदेव आनंद गिरी महाराज 7 दिवसीय यज्ञ कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। आयोजकों ने बताया कि सभी मनुष्य और जीव जंतु पर भगवान महाकाल का आशीर्वाद बना रहे, यह प्रार्थना यज्ञ में की जाएगी। धर्म का काम है और धर्म का काम में एक व्यक्ति से नहीं होता है, धर्म आपके और हमारे सभी के होने से धर्म चलता है। एक व्यक्ति धर्म को नहीं चला सकता, तो धर्मो रक्षति रक्षिता है। धर्म की हम रक्षा करेंगे, धर्म के लिए यहाँ खड़े हैं, तो धर्म हमारे लिए सदैव खड़ा है। जय सियाराम। महाराज जी श्री सहदेवानंद गिरी जी महाराज जूना अखाड़े के वो स्थापित कर रहे हैं, वो अधिष्ठाता है यज्ञ के। कहाँ कहाँ से भक्त आएंगे इसमें? भक्त आएंगे कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, पूना से, राजस्थान से, गुजरात से, सभी जगह से भक्त सम्मिलित होंगे। व्यक्ति विशेष कर रहे हैं कि सार्वजनिक यज्ञ है, सभी का काम है, हिंदू धर्म का काम है, आपका काम है, हमारा काम है, सभी का काम है। अभी तक यज्ञ की कहाँ कहाँ जानकारी दे दी गई है? यज्ञ की जानकारी सभी जगहों पर हमारी समिति द्वारा दे दी गई है और बहुत जल्दी और भी आगे के जो क्रम है यहाँ पे यज्ञशाला का निर्माण इत्यादि क्रम में कार्य यहाँ पर बहुत शीघ्र प्रारंभ होगा। जय श्री महाकाल की, महारुद्र भगवान की। हमारे लिए सभी मध्य प्रदेश वासियों के लिए एवं भोपाल वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भगवान महाकाल कालाग्नि रुद्र महारुद्र भगवान का महारुद्र यज्ञ भोपाल में स्थापित होने जा रहा है। आज महा इंद्र ध्वज का हमने पूजन किया। 21 अगस्त से 27 अगस्त तक भगवान महारुद्र के निमित्त यहाँ पर महारुद्र होगा, जो कि जूना अखाड़े के महासचिव पीठाधीश्वर श्री सहदेवानंद गिरी जी महाराज की अधिष्ठाता में यहाँ पर यज्ञ संपन्न होगा। एवं सभी यही कामना करेंगे कि यज्ञ के माध्यम से समस्त भारतवर्ष पर, सभी पर, मनुष्य पर, जीव पर, सभी के ऊपर भगवान महाकाल की कृपा हमेशा बनी रहे, हम सभी सदैव अन्न धन से भरपूर रहे, इसी मनोकामना को लेकर के यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है। हिंदू युवा वाहिनी और भी इत्यादि समूह के द्वारा यहाँ पर बहुत प्रयत्न, बहुत ये यज्ञ को करने के लिए सभी यहाँ पर खड़े हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल।